असलम प्यारे व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप कि आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे तो प्यारे व्यूअर्स आज की वीडियो मैंने क्रिएट किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा रेड एंड ब्लैक स्मोकी ग्लैम आई मेकअप लुक तो अगर आप देखना चाहते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत सा लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है सो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स दीडियो तो सबसे पहले मैंने अपने आईब्रोज़ को दे देनी है शेप और आईब्रोज़ को शेप देने के लिए जो पेंसिल मैंने यूज़ किया वो मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदी थी फिफ्टी रुपीज़ की और आईब्रोज़ को मैंने वहीं वहीं पे पेंसिल लगाने है जहाँ पे मेरे आईब्रोज़ के गैप थे और उसके बाद फिर मैंने मदद से अपने आईब्रोज़ को कर लेना है कॉम और यहाँ पे मैं इंडियन ब्राइडल मेकअप बेस यूज़ कर रही हूँ फ्लैट ब्रश पे मैंने बेस लिया और इसे मैंने लगा लेना है मेरे आईलेट पे ताकि मेरे आईलेट पे जितने डिस्कलरेशन है वो हाइड हो जाए और आई जो है वो बहुत ज़्यादा ख़ूबसूरत नज़र आती है इस तरह से और आईब्रोज़ को नीट करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त जो एक स्टेप है वो है आपने ब्रश की मदद से ऊपर से भी जो है इस तरह से आइब्रोस को शेप लाजमन देनी है ये एक स्टेप बहुत लाजमी होता है जिससे हमारे आईब्रोज खूबसूरत दिखते हैं उसके बाद आईज पे मैंने लगा लेना है कॉम्पैक्ट पाउडर और मेरी आईज जो है वो अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है मेकअप के लिए और यहाँ पे मैंने इसको टेप लगा लेनी है जहाँ पे मेरी आइज़ ख़त्म होती है वहाँ से लेकर और जहाँ पे मेरे आईब्रोज ख़त्म हो रहे हैं वहाँ तक और किस ब्यूटी का मैं जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ और मैं नेकिट का ब्रश यूज़ कर रही हूँ जो है लाइनर ब्रश है ये और मैंने इस तरह से जेल लाइनर अंदर की तरफ लगाना है ठीक है जैसे विंग लाइनर लगाते हैं ना सेम वैसे लगा के ना फिर थोड़ा सा अंदर आहिस्ा आहिस्ता लेते आना है ठीक है और मैंने हाफ आइज़ पर जो है लगाना है ये जेल लाइनर और उसके बाद फिर मेरे पास है ये हुडा प्यूटी की मैट लिपस्टिक है रेड कलर में अगर आपके पास कोई रेड आई बहुत ज़्यादा डार्क है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो लेकिन मेरे पास जो है रेड कोई भी ऐसी आई शेड नहीं थी जो कि इतनी ज़्यादा डार्क होती क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क चाहिए था कलर और यहाँ पे मैंने मैट लिप ग्लॉस यूज़ किया और ये एक हैक है देखा जाए और बहुत ही ज़बरदस्त हैक है बहुत ही मेरा कामयाब रहा फिर मैंने ब्रश पे थोड़ा सा जेल लाइनर लिया और मैंने इसे रेड के साथ थोड़ा सा अटैच कर देना है और फिंगर की मदद से थोड़ी सी यहाँ पर ब्लेंडिंग में फिंगर से करूँगी ऐसा लगे कि रेड में से ब्लैक और ब्लैक में से रेड जो है वो निकल रहा है फिर मैंने ब्रश पे थोड़ा सा और जेल लाइनर लेना है और इस रेड के बायोजो ना मैंने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और हमारा ये जेल लाइनर आई से ऊपर ना जाए अंदर बेशक रेड पे आ जाए लेकिन बाहर नहीं जाना चाहिए ठीक है उसके बाद फिर मैंने ले लेने है ये मेरे पास है जी ग्लीटर रोज़ के गलीटर हैं प्रेस ग्लीटर हैं बहुत इजीली अप्लाई हो जाते हैं लेकिन आज तो मैट लिपस्टिक मैंने लगाई थी इसके ऊपर तो वल्ला इतना कोई आसानी से चिपक गया है, और जब मैंने ये अपना मेकअप रिमूव किया था ना यकीन माने मुझे पाँच छः बार सोप लगाना पड़ा था क्योंकि मेरे पास कोकोनट ऑयल नहीं था मेकअप रिमूव करने के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी इस मेकअप को रिमूव करने में ठीक है फिर मैंने जो है लाइनर लगा लेना है करेलोन का केक लाइनर मैंने यहाँ पे लगाया और मैंने लाइनर थोड़ा सा थिक लगाया क्योंकि बहुत अच्छा लगता है इस तरह का मुझे लाइनर लगाना और फिर मैंने वही लाइनर अपने लेयर लेश लाइन पे भी लगा लेना है करलोन का केक लाइनर और ये लगाने के बाद मैंने इसे इसी तरह जो है छोड़ देना है इसे ब्लेंड नहीं करना ठीक है और फिर मैंने वन सेकेंड वॉल्यूम मस्कारा जो है यूज़ किया और ये काफ़ी अच्छा बुस्कारा है थ्री फिफ्टी में मिल जाता है और मेरी ये जो चुन्नी मुन्नी सी लैशेज है ना जो दिखती भी नहीं है इस मस्कारे से लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे लैशेस भी लगाई हैं और फिर मैंने फिंगर पे थोड़ा सा हाइलाइटर लिया और मैंने इसे लगा दिया मेरे ब्रो बोन्स एरिया पे ब्रो बोन्स एरिया को हाईलाइट करना लाजमी था और उसके बाद लैशेस लगा ली मैंने लैशेस लगाने के बाद मुझे लग रहा था कि मेरा मेकअप डन हो चुका है लेकिन मैं यहाँ पे भूल गई थी जो है वाटर लाइन पर बेस लगाना और ये वही बेस है जो मैंने अपने आइज़ पे लगाया था इंडियन मेकअप ब्राइडल बेस और बहुत ही न्यूट कलर बहुत अच्छा लगता है इस तरह से थोड़ा सा जो है हाफ़ वाइट कलर का पेस हो और उसे हम जब अपने वाटर लाइन पर लगाते हैं तो बहुत अच्छा दिखता है और यहाँ पे अब मैं मेकअप करने वाली हूँ मेरे पूरे फेस का और मैंने फेस पे पहले लगाया है जी मॉइस्चराइजिंग लोशन और फिर मैंने प्राइमर भी लगाना था लेकिन यहाँ पे पता नहीं आया क्या हो गया था मैं प्राइमर लगाना भूल गई थी और फाउंडेशन मैं लेकमी नाइन टू फाइव का यूज़ करी और ये फाउंडेशन वह बहुत ज़्यादा कमाल है बहुत ईजिली ब्लैंड हो जाता है और ब्लेंड इतना इजीली हो जाता है और हमारे स्किन टोन के साथ बहुत ही अच्छे से मैच हो जाता है लगता भी नहीं है कि हमने अपने फेस पे कुछ लगाया हुआ ये है कि आपकी स्किन टोन से जो है अपनी मैचिंग का कलर लें और मेरा जो ये नंबर था ना ये था ज़ीरो फाइव और सेम मेरी स्किन से मैच हो जाता है उसके बाद फिर मैंने लिया है जी ग्लैमरस फेस का लूज पाउडर और ये भी सेम स्किन टोन से मैच होता है ये है इसका नंबर है जी ज़ीरो सिक्स और ये लूज़ पाउडर तकरीबन तो साढ़े चार सौ में मिल जाता है लोकल मार्केट से तो यहाँ पे जितने भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए वो सारे मैंने लोकल मार्केट से ही ख़रीदे थे ऑनलाइन में मेकअप कभी भी बाय नहीं करती और हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि सस्ता से सस्ता मेकअप यूज़ करूँ जो आप ही ख़रीद सकें और मैं भी कोई इतने हाई महंगे मेकअप नहीं ख़रीदती और ये हाईलाइटर भी मैंने लोकल मार्केट से ही ख़रीदा था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी पिगमेंट्स चेक करें बहुत कमाल इसकी पिगमेंट्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त और लेंस यहाँ पे जो मैंने लगाया ना वो दहात के हैं अच्छा ये लेंस लेकिन मैंने ऑनलाइन ख़रीदे थे बहुत अच्छे लेंस हैं आप देख सकते हैं और इसका कलर देखें और इसका शेड था ज़ीरो फिफ्टीन ठीक है और यहाँ पे मैं जो लिपस्टिक यूज़ करी वो है जी हुडा ब्यूटी की और इसका नंबर था जी ज़ीरो टू ये लिपस्टिक वैसे मुझे मेरी भाभी ने कराची से गिफ्ट भेजी थी पीच कलर में बहुत ही लाइट है बहुत कमाल की लिपस्टिक है अच्छा एक बात का खास ख्याल रखा करें अगर आपकी लिपस्टिक डार्क हो तो आप आइज मेकअप लाइट क्या करें और आइज मेकअप आपका लाइट हो तो लिपस्टिक डार्क रखा करें सो गाइस यहाँ पे मेरा मेकअप हो चुका है डन और ये है जी मेरा फाइनल लुक वो कितनी किन्नी किया लग रही हूँ लग रही हूँ के नहीं अपने मुँह मैं बिठ सो आज का लुक मुझे बहुत अच्छा लगा आई होप कि आप लोगों को भी मेरा आज का लुक पसंद आया होगा और मेरी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी अगर ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टा पर फॉलो करें मेरी इंस्टा की आई है परी खान बल्लोच सो व्यूवर्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दो में याद रखें अल्लाफ़